मंचूरियन बेचने वाली सास बहू। 2 महीने पहले ही सरोज के पति नवीन का देहांत हुआ था। घर चलाना उसके और उसकी सास कांता के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। घर के बचे कुचे पैसे खत्म हो चुके थे और अपना बचा हुआ सोना भी उन्होंने 2 महीने में बेचकर अपना पेट पाल लिया। लेकिन अब सवाल था कि आगे क्या किया जाए। क्या दोनों सास बहू मिलकर कुछ नया काम ढूंढ पाएंगे? क्या वो अपना खर्चा चला पाएंगे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को, माँ जी ये लीजिए, कुछ तो खा लीजिए, आपको बहुत भूख लगी होगी, कल शाम से आपने कुछ नहीं खाया। कैसे खाऊं बहू, सोच सोच के सर फटा जा रहा है कि अब घर में खाना कैसे बनेगा। जितने भी बचे कुछ पैसे थे वो भी डिब्बों से निकाल कर हमने खर्च कर लिए हैं। माँ जी हम कितनी अच्छी तरीके से रहते थे ना, नवीन जी ने हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होने दी, और आज का दिन है कि खाने तक को मोहताज होना पड़ रहा है। हाँ बहू, तुझे याद है कैसे वो हम दोनों के लिए शाम को कुछ ना कुछ लाया करता था। ये बोलते ही दोनों सास बहू अपने बीते पलों में चली जाती है, जहाँ उनका बेटा अक्सर फैक्ट्री से लौटते वक्त उनके लिए चीज लाता है। तभी शाम को नवीन आता है और कहता है, सरोज माँ जल्दी आइए आप दोनों, वरना ये ठंडा हो जाएगा और फिर खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अजी ला रही हूँ, आप तो रोज शाम को आते ही घर सर पर उठा लेते हैं, पता नहीं आज क्या लाए हो। अरे तुम आओ तो सही, एक बार खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। तभी सास बहू दोनों आ जाती हैं। ये लो बर्तन, आप बताओ भी क्या लाए हो। अरे पहले इसे खाओ फिर बताऊंगा कि ये क्या है। तभी नवीन प्लेट में मंचूरियन निकालता है और अपनी माँ पत्नी को खिलाता है, जिसे खाने के बाद वो कहती है, ये कितना स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, मुँह में जाते ही घुल गया। हाँ बेटा, ऐसी कौन सी चीज से बनाया, क्या लिए, कोई सब्जी भी है और नाम तो बता इसका। अरे माँ हमारी फैक्ट्री के पास एक चाइनीज ठेला लगा है जो मंचूरियन भी बेचता है, तो बस वो मंचूरियन ले आया आप दोनों को खिलाने के लिए। और पता भी है ये गोभी की सब्जी से बना है और बाकी तो चाइनीज आइटम है इसमें। आहा नवीन जी मुझे ये बहुत पसंद है, आप ना हफ्ते में 2 बार तो इसे ले ही आना। हाँ बेटा, संडे को भी तेरी छुट्टी होती है ना, उस दिन भी खाया करेंगे। ठीक है मैं ले आऊंगा, अब खाए ही वरना बेकार ठंडे लगेंगे। हाँ बेटा। मैंने भी माँ कल ही खाया है, मुझे ये मंचूरियन बहुत अच्छा लगा। क्या सरोज तुम इसे घर में बना सकती हो? जी मैं इसे कैसे बनाऊंगी, मुझे बनाना ही नहीं आता, जब खाया ही पहली बार है। ये कहते ही तीनों मजे से मिलकर मंचूरियन का स्वाद लेते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और दोनों अपने बीते पलों से बाहर आ जाती है। माँ जी मैं अभी आई, कोई दरवाजे पर आया है। ठीक है बहू। ये कहते ही सरोज दरवाजा खोलती है तो सरोज की सहेली निम्मी उसका हाल चाल पूछने आई थी। अरे तू अचानक से कैसे आ गई? जीजाजी नहीं थे इसीलिए मैं तेरा हाल चाल पूछने आ गई। बता कैसी है तू? कैसा होगा उनके जाने के बाद, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, एक एक चीज याद आती है, बस जैसे तैसे जिंदगी कट रही है। वो रौनक नहीं है जो नवीन जी की होने पर थी, अभी उन्हीं को याद कर रहे थे। कोई नहीं, आप दोनों हिम्मत रखे, जीवन है, विधि का विधान है, आखिर कौन रोक सकता है। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सरोज, घर चलाने के बारे में कुछ सोचा? क्योंकि अब तो जीजू है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना तुझे। हाँ सोच तो रही हूँ, मैं अभी काम के बारे में ही सोच रही थी, पर क्या करूँ ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ कि कुछ खाना बनाने वाला काम शुरू कर ली, मेरे पड़ोस में भी 3-4 चाइनीज के ठेले हैं, आजकल चाइनीज बहुत चल रहा है, तू भी कोई वही चाइनीज बनाकर बेच ले। हाँ लेकिन कौन सा बनाऊं ये भी तो समझ नहीं आ रहा है। वो करियो जो ज्यादा आसान हो, देख चाउमीन है, मोमोज, रोल, चिली पोटैटो। तभी निम्मी के पति का फोन आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। फिर बहुत सोचने के बाद कांता कहती है, अरे बेटा ऐसा कर मंचूरियन बना ले, मेरे बेटे को भी कितना पसंद था, उसी की याद में हम मंचूरियन की दुकान खोल लेते हैं। अरे वाह माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, पर माँ जी वो तो हमें बनाना आता ही नहीं। उसका भी इलाज है मेरे पास बहू, क्यों ना हम मंचूरियन वाले के ठेले पर जाते हैं और मंचूरियन खाने के बहाने उसके बनाने का तरीका देख लेते हैं, यही सही रहेगा। अरे वाह माँ जी ये बढ़िया है। ये बोलते ही सास बहू मंचूरियन की दुकान पर पहुँच जाती है और कहती है, भैया जरा एक प्लेट मंचूरियन बनाना अच्छी वाली। ये सुनकर जब दुकान वाला मंचूरियन बनाता है तो सरोज और कांता उसके बनाने के तरीके को और सामान को गौर से देखती हैं और दोनों मंचूरियन खाने के बाद वापस आकर कहती हैं,
बहू, ये ज्यादा महंगा नहीं आएगा सामान। चल आज ही सब तैयार कर लेते हैं। मेरा एक सोने का कंगन पड़ा है, उसे बेचकर ठेला और सामग्री आ जाएगी। पर माँ जी, लेकिन पैसे आने पर मैं आपको सोने का सेट बनवा कर दूंगी, उसमें आपका हार, झुमके, कंगन सब होंगे। दूसरे ही पल दोनों सास बहू से सोने के कंगन को बेचकर मंचूरियन बनाने का सारा सामान और ठेला लेकर आते हैं और अगले दिन से मंचूरियन बनाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म चटपटी मंचूरियन खा लीजिए। हाँ आइए आइए, गर्मा गर्म मंचूरियन खाइए। एक हफ्ते तक सस्ते दर पर मंचूरियन खाइए, 10% डिस्काउंट है, आ जाइए। अरे इतनी सस्ती मंचूरियन, अब तो खाना ही पड़ेगा। सुनिए, जरा एक प्लेट मुझे मंचूरियन देना। ये लीजिए। एक दो ग्राहक देखकर सास बहू की मंचूरियन के ठेले पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं और देखते ही देखते मंचूरियन कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है। तो सास कहती है, बहू मंचूरियन तो खत्म हो गए, अब क्या करें? माँ जी, मैंने घर पर एक्स्ट्रा मंचूरियन बनाए थे, मैं लेकर आती हूँ। अरे आंटी जल्दी कीजिए, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। 5 मिनट बेटा। तभी फटाफट से सरोज घर से मंचूरियन लेकर आती है और बनाकर ठेले पर खड़े लोगों को देने लगती है। शाम तक उसके सारे मंचूरियन खत्म हो जाते हैं और वो घर आकर जब पैसे जोड़ती है तो कहती है, माँ जी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने इतना कर लिया। कितना जमा हुआ है? माँ जी 4,000 का मंचूरियन का सामान आया था और 6,000 की अलग से कमाई हुई है। इसका मतलब 10,000 कमा लिया हमने एक दिन में। हमने पहले ही दिन 10,000 रुपए कमा लिया, वो भी मंचूरियन से। लगता है लोगों को मंचूरियन खाना काफी पसंद है, कल से हमें और ज्यादा बनाने होंगे। हाँ माँ जी। अगले दिन सास बहू और मंचूरियन का सामान लेकर ज्यादा मंचूरियन बेचते हैं। अरे आंटी जरा मुझे 2 प्लेट मंचूरियन देना। आंटी मुझे 5 मिनट में मंचूरियन पैक कर दीजिए और स्पाइसी बनाना थोड़ा। ठीक है। तभी दोनों सास बहू उन्हें मंचूरियन बनाकर दे देती हैं। 6 महीने की मेहनत से वो अच्छी खासी बिक्री कर लेती हैं। तभी एक दिन सरोज तोहफा देकर कहती है, माँ जी आपका तोहफा, खोल कर देखिए। इसमें क्या है बहू? खोल कर देख लीजिए। अपनी बहू की बात सुनकर जैसे ही वो तोहफा खोलती है तो देखती है उसमें सोने का हार, सोने के कंगन, झुमके और अंगूठी है। बहू एक कंगन के बदले तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। हाँ माँ जी, आखिर आपके कंगन से हमने इतनी मेहनत कर ली कि आज हम पर सोने की इतने गहने हैं। क्या पता ये भी हमारे आगे के समय में काम आए। ये मेरी तरफ से तोहफा है आपको। बहू ये मेरे सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं है, तेरी भी है कि आज हमारी 2-2 मंचूरियन की दुकान है और 2 ठेले भी। आज की डेट में हम दोनों महारानियों की तरह दुकान को संभालते हैं। वो तो है माँ जी, बस एक ही चीज की कमी खलती है, नवीन जी की। इस तरह दोनों सास बहू के मंचूरियन हर जगह फेमस हो जाते हैं और उन्हें बर्थडे पार्टी और शादी में कैटरिंग करने को मिल जाती है और आज के टाइम पर उन्होंने काफी हद तक अपनी आर्थिक स्थिति को पीछे छोड़ दिया था।